अस्सलाम वालेकुम वन क्लास, उम्मीद करती हूँ आप सब इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। बस आज हम जो पढ़ेंगे वो पेज नंबर मैथ का बुक है, पीजी 60+61। ठीक है, ये मैं आप लोगों को समझाऊंगी और फिर इंशाल्लाह आप ये दोनों पेजेस अपनी बुक पे डन करेंगे। सबसे पहले हम टू डिजिट्स को प्लस कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, अब हमारे पास है एडिंग थ्री नंबर्स। ठीक है, अब हमने टू डिजिट्स की बजाय थ्री नंबर्स को ऐड करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन नंबर वन है, नाउ ऐड दीज शूज द नंबर लाइन। ठीक है, यानी कि उन्होंने कहा अब इसे हमने ऐड करना है। ठीक है, यूज़ द नंबर लाइन, नंबर लाइन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन नंबर हम बी करते हैं। ठीक है, बी क्वेश्चन आपको समझाती हूँ, एडिंग थ्री नंबर्स। पहले हम टू डिजिट्स को ऐड कर रहे थे, अब हम थ्री डिजिट्स को ऐड करना सीखेंगे। थ्री डिजिट्स को कैसे ऐड करेंगे, क्वेश्चन नंबर बी। सबसे पहले हम नाइन को राइट करेंगे, नाइन के नीचे राइट करेंगे वन, वन के नीचे राइट करेंगे फाइव। ठीक है, अब इसको भी हम फिंगर्स पे भी काउंट कर सकते हैं, जैसे आप लोगों को पहले बताया है। अगर फिंगर्स पे नहीं कर रहे तो फिर हम इसको लाइनें लगा के भी काउंट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ है, नाइन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। ठीक है, ये नाइन लाइंस ड्रा की, ये क्या लिखा हुआ है, वन, वन लाइन ड्रा करें, कितनी लाइंस, वन। ये क्या लिखा हुआ है, फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, हमने ये क्या लिखा हुआ है, नाइन। यहाँ पे हमने कितनी लाइन ड्रा की, नाइन। नाइन के बाद काउंट करना शुरू करते हैं, टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, कितना बना, फिफ्टीन। ठीक है, 15 इज़ आवर आंसर। जब हमने तीनों डिजिट्स की लाइन को ड्रॉ किया और तीनों डिजिट्स की लाइन को ऐड किया तो हमारे पास 15 आंसर आया। ठीक है, ये पीजी 60 के सेम क्वेश्चन सारे इसी तरह हैं, इनको आपने इसी तरीके से ऐड करना है। ठीक है, अब हम आते हैं पीजी 61 पे। पीजी 61 पे हम क्वेश्चन नंबर डी करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी में सबसे पहले हम लिखते हैं फोर, फोर के बाद हम लिखेंगे सेवन, सेवन के बाद हम लिखेंगे सिक्स। ठीक है, इसको भी हम फिंगर्स सॉरी लाइंस लगाकर ड्रा करके काउंट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ है, फोर, वन टू थ्री फोर, उसके बाद यहाँ भी क्या राइट हुआ हुआ है, सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इन दोनों को अब हम तीनों को काउंट करेंगे, तीनों लाइनों को। पहले हमने कितनी लाइन ड्रा की थी, फोर, फोर के बाद फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन। ठीक है, जब तीनों लाइनों को हमने प्लस किया तो हमारे पास आंसर आया सेवनटीन। तीनों लाइनों को काउंट करके हमारा, तीनों डिजिट्स की लाइन्स को काउंट करके हमारा आंसर बनता है सेवनटीन। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कौन से वाला करते हैं, जे वाला। ठीक है, जे क्वेश्चन, जे में सबसे पहले हम लिखेंगे वन, फिर लिखेंगे नाइन, फिर लिखेंगे नाइन। यहाँ पे हम वन लिखा हुआ है तो वन लाइन ड्रा करेंगे, यहाँ पे है नाइन तो नाइन लाइंस, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। ठीक है, अब इन लाइन्स को काउंट करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन। ठीक है,
कितना बना? 19। 19 इज आवर आंसर। अब एक और क्वेश्चन आप लोगों को समझा देती हूँ, फिर बाकी सारे क्वेश्चन आपने इसी तरह करने हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, एल वाला, ठीक है। एल वाले में सबसे पहले ज़ीरो, ज़ीरो के बाद टेन, टेन के बाद फोर, ठीक है। बच्चों यहाँ पे ज़ीरो है, ज़ीरो का मतलब होता है, आप लोगों को पहले बताया, कुछ नहीं। तो कुछ नहीं तो इसका मतलब हम यहाँ पे कोई लाइन भी ड्रा नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या राइट हुआ है? ज़ीरो, इसका मतलब है कुछ नहीं, यहाँ पे भी कोई लाइन भी ड्रा नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या है? फोर, वन टू थ्री फोर, ऊपर भी लाइन नहीं है, सेकेंड नंबर पर भी कोई लाइन नहीं है, तो लिहाजा ये कितनी लाइन हमने ड्रा की हैं? फोर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फोर, यहाँ पर क्या राइट हुआ है? वन, वन लाइन लगाए तो वन का वन आ जाएगी, ठीक है। 14 इज आवर आंसर। बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको ये पीजी 60 और 61 इनिशियल समझ आ गई होगी। और अगर फिर भी कहीं से आप लोगों को समझ नहीं आती किसी भी क्वेश्चन की, तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये दोनों पेजेस आप लोगों ने अपनी बुक पे डन करनी है और प्रैक्टिस भी करनी है इसकी रफ रजिस्टर पे, ठीक है। Take care of yourself. One class. Allah Hafiz.